मैं डॉक्टर मुकुंद बच्चों के लिए स्कूल के लिए जो भी मैं काम करता हूँ विडियोज बनाता हूँ उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है बच्चों को सिखाना मत बस दिखाना। दिखाने से क्या क्या होता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए सीखना सिखाना ये होते ही रहता है लेकिन क्या वो दिमाग के अंदर घुस जाता है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार ये मेरे दिमाग के अंदर क्यों नहीं जा रहा? मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी क्यों मुझे नाश कर पा रहे? तो इसी कारण पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मैंने यूज की थी। जैसे कि स्कूल में बहुत सारी चीजें होती है, मेज होता है, कुर्सी होती है, दीवार होती है, सीलिंग फैन होता है, दीवारें होती है या विंडोज होती है, फर्श होती है। तो इसका सही उपयोग टीचिंग में कैसे करना चाहिए, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा हमारा ब्रेन यूज करें तो आपको डेफिनेटली ये जो मेरी तरकीबें है बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारी तरकीबें, उसमें से बस मैं कुछ एक दो ही आज बताने वाला हूँ और बाकी आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इससे ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाए। तो देखिए हम टीचर अक्सर बच्चों को एंगल सिखाते, कौन भी बोलते हैं उसे, तो ये एंगल्स तीन तरह के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लेके स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ फिगर्स बना के सिखाते हैं कि भाई ये इस टाइप का एंगल है। तो ऐसा मत कीजिए, हमारा जो डोर होता है ना वो डोर भी एक एंगल ही है। तो मैंने पिक्चर में एक आइडिया दी है, उसी हिसाब से अपने क्लासरूम में जो भी डोर है उसे मास्क कीजिए स्केच पेन से, कलर से। और बच्चा जब भी वो दरवाजा खोलेगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो उसे पता चलेगा कि भाई ये कितने एंगल, ये कितने का एंगल बन रहा है। जैसे कि वो डोर को टच करता है किसी वॉल के साथ तो उसे पता चलता है कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 से कम है, ये 90 से ऊपर है। और जब भी वो दरवाजा क्लोज करता है तो वो पूरे 180 डिग्री का बनता है। तो ये सारी चीजें अगर वो देखेगा तो सीखेगा। तो मेरा कहना यही है बच्चों को सिखाइए मत दिखाइए। दिखाने से उनके दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है और वो सोचने लगते हैं कि भाई ये क्या है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जब वो सोचेगा तब ये पॉसिबल। अभी ये दूसरी चीज जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आप भी कर सकते हैं। हमारे हर क्लासरूम में सीलिंग फैन होता ही, तो हम क्या करते हैं बस हवा खाते हैं और उसे बंद करते हैं। तो इसके अलावा भी इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, पिक्चर्स में मैंने कुछ कलर्स चॉइस किए हैं, वही कलर्स आपको सीलिंग के जो तीन पन्ने होते हैं उनको लगा और उसे सुखा देना है। और सूखने के बाद बस सिंपली आप स्विच ऑन कर दीजिए बटन, फैन घूमेगा और जब वो घूमेगा तो पूरे 7 कलर्स, 7 रंग यानी इंद्रधनुष हमारे क्लास में दिखे, वो भी जब जी चाहे तब देख सकते। तो उसके बाद कलर सिखाने की जरूरत है नहीं, बच्चा ऊपर देखेगा कलर सीखेगा।
और ऐसे ही हम हर चीज को यूज करें, बच्चों को दिखाएं, तो यकीनन हमारा जो स्टडी है वो बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे इसमें दिलचस्पी ले लेंगे, उन्हें इंटरेस्ट आ जाएगा और आपके मेरे सामने जो चिंता है कि मेरा बच्चा आगे कैसा जाएगा, अच्छे मार्क्स कब लाएगा, तो ये बहुत इजी है, लेकिन इसका सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आने वाले वीडियो में विंडोज से हम क्या सिखा सकते हैं, फर्श से हम क्या सिखा सकते हैं, स्कूल के बाहर जो पिलर होते हैं वहाँ से हम क्या सिखा सकते हैं, ग्राउंड से हम क्या सिखा सकते हैं, टेबल का जो कॉर्नर होता है, मेज का कॉर्नर होता है, तो उससे हम क्या सिखा सकते हैं, चेयर से क्या सिखा सकते हैं, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड से भी हम लिखने के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग चाहिए। तो ये दिमाग कैसे लगाना है, कैसे सिखाना है, ये आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।